तरहसी प्रखंड के तरहसी थाना परिसर में आज 5 अक्टूबर 2021 को दशहरा पूजा के लेकर हुई शांति समिति की बैठक किया गया, जिसका अध्यक्षता प्रखंड पदाधिकारी एसएन मेहता ने किया, जिसमें कई अधिकारी पहुंचे तथा तरहसी प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया एवं जनता ने भी शांति समिति के बैठक में भाग लिया तथा कई जनप्रतिनिधि ने अपना अपना योगदान दिया तथा सभी जनता के बातों को सुनते हुए तरहसी प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी सच्चिदानंद मेहता ने कहा, ऊपर से आए आदेश अनुसार कोविड-19 का गाइडलाइन को देखते हुए दशहरा पूजा का त्योहार मनाया जाए ताकि हम सब कोरोना को हरा सके तथा पूजा पंडाल में किसी भी प्रकार के साउंड ना ही भीड़ भाड़ किया जाए, ना ही किसी प्रकार का कोई झगड़ा, ना कोई भेदभाव किया जाए एवं पंडाल छोटा बनाए। तथा उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप तुरंत अपने थाना प्रभारी को सूचना दें, आप अपने से कोई फैसला ना लें। तथा तरहसी थाने के थाना प्रभारी करमपाल भगत ने कहा, प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा गाइडलाइन सराहनीय है, आप सब इस पर घोर निंदा करें और पूजा को सही ढंग से संपन्न करें। मौके पर उपस्थित इंस्पेक्टर बीडी पासवान ने कोरोना की गाइडलाइन का सुझाव देते हुए कहा कि सही एवं शांतिपूर्ण रूप से दशहरा का त्यौहार मनाने का दिशा निर्देश दिया गया। पश्चिमी तरहसी जिला परिषद प्रत्याशी अनिल सिंह ने भी अपना योगदान देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से माँ दुर्गा का त्यौहार मनाए तथा कोई दंगा फसाद न करे। मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति एवं ग्रामीण जनता उपस्थित रही। किया गया है कोविड-19 का अनुपालन करते हुए किस प्रकार से पूजा को मनाएंगे तरहसी में, सभी पूजा कमेटी जो है उन सभी दिशा निर्देशों को जो है उन लोगों को बता दिया और सबने आश्वस्त किया है कि जो भी पूजा हम लोग मनाएंगे कोविड-19 के मद्देनजर ही मनाएंगे। सारा पूजा सभी शांति समिति की जो बैठक की गई उसमें सर आप सभी जनता को तो जनप्रतिनिधि लोग सब बड़े गणमान्य व्यक्ति भी पहुँचे, जनता भी बहुत सारे पहुँचे सभी प्रखंड के, उसके लिए सर आपका क्या गाइडलाइन दिया गया सर? जो दशहरा पूजा को लेकर थाना परिसर में जो शांति समिति का जो बैठक की गई इसमें सभी जनता को सर आप क्या गाइडलाइन दिए सर? सरकार के द्वारा कोविड-19 का जो गाइडलाइन दिया गया था वो सारे बिल्कुल शांति समिति के बैठक में सारे लोगों को बाकी वाली से जितने भी गाइडलाइन होती सारी की जानकारी दे दी गई है। मूर्ति का आकार छोटा होना चाहिए, करीब 5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 साल के बच्चे को भीड़भाड़ में ले जाना नहीं है और इसी तरह का बहुत सारे की भीड़भाड़ नहीं लगाना है, मेला स्टॉल ये सब रुकने देना है, विसर्जन के समय में जो उसका रूप नहीं देना है, अपने समिति के लोग ही जाकर विसर्जन में रहेंगे, भीड़भाड़ में लगाएंगे। इसी तरह का और सी गाइडलाइन है जिनको बताया गया कि सौहार्द को वातावरण में अपने त्यौहार को मनाएंगे, किसी तरह का कहीं भी अशांति वगैरह की समस्या न आए और कोविड अभी दिया नहीं है, अभी है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है, त्यौहार को भी मनाना है, खुशी भी मनाना है और अपने सारे गाइडलाइन को फॉलो भी करना है। उसी इसी प्रकार थाना परिसर में कोरोना को देखते हुए जो दशहरा पूजा के लेकर शांति समिति का जो बैठक हुई, आप पश्चिमी तरहसी प्रखंड के सांसद आ9 भारत के लिए सीताराम सोनी की रिपोर्ट। पांडू थाने में पदस्थापित थाना प्रभारी समीर तिर्की को विदाई के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा समाज पांडू प्रखंड के लोगों ने शॉल देकर किया सम्मानित एवं नव पदस्थापित थाना प्रभारी पांडू जिमी हाजदा को पुष्प गुच्छ देकर किया स्वागत। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी पांडू समीर तिर्की को पांडू थाने से तबादला कर मेदिनी नगर शहर थाने में JSI के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है। पांडू थाना प्रभारी समीर तिर्की पिछले लगभग 3 वर्षों से पांडू थाना में थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। वहीं पांडू थाने में नव स्थापित थाना प्रभारी जिमी हाजदा ने थाना प्रभारी के रूप में पांडू थाने में अपना पहला योगदान दिया है। मौके पर उपस्थित विश्वकर्मा समाज पांडू प्रखंड के अध्यक्ष राधेश श्याम विश्वकर्मा ने नव पदस्थापित थाना प्रभारी जिमी हाजदा से आग्रह करते हुए कहा कि विश्वकर्मा समाज में अगर कोई भी व्यक्ति झगड़ा करके थाने में आता है तो ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से न्याय करने के लिए एक बार विश्वकर्मा समाज को अवश्य सूचित करें ताकि हम सभी समाज के लोग आपस में बैठ कर इसका हल निकाल सके एवं लोगों को गलत रास्ते में भटकने से रोक सके। मौके पर विश्वकर्मा समाज पांडू प्रखंड के अध्यक्ष राधे श्याम विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी सदस्य डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा जी, कोषाध्यक्ष भरदुल शर्मा जी, मीडिया प्रभारी अरविंद विश्वकर्मा जी के साथ साथ अन्य कई लोग उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट पांडू से।
भाजपा की ओर से सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत महादेवगंज स्थित जनता पुस्तकालय में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन राजमहल विधायक अनंत ओझा ने फीता काट कर किया। मौके पर विधायक अनंत ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 20 वर्ष उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल एवं प्रधानमंत्री कार्यकाल का पूर्ण होने पर उनके जन्म दिवस के अवसर 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक भाजपा का सेवा एवं समर्पण अभियान चल रहा है। इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ता हर गाँव जाकर पहुँच कर संपर्क व संवाद और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय मेडिकल कर्मी पारा मेडिकल कर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कैंप का हिस्सा हो करके लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म उत्सव 17 सितंबर से लेकर के और 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने सेवा समर्पण अभियान यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन है 20 साल का मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में उस भाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक दिन समाज के लिए समर्पित भाव से कुछ न कुछ करना है इसको लेकर के प्रत्येक दिन कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ के स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ सेवा समर्पण अभियान के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिस कैंप में जो प्रारंभिक लोगों की जरूरतें हैं आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जहां कोविड का टेस्ट भी हो रहा है वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन का भी हो रहा है, वहीं तीसरी ओर लोगों का जो सामान्य प्रारंभिक इलाज होता है उसको लेकर के दवा की उपलब्धता से लेकर के सारे हमारे मेडिकल कर्मी हमारे पारा मेडिकल कर्मी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान का हिस्सा होकर के लोगों को वैक्सीनेशन। R9 भारत के लिए साहिबगंज से रिपोर्ट सहेंद्र प्रसाद।